जी वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बोलना चाहूँगा, आपने थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा, क्या रियाल 90 के ऊपर भी जाएगा? देखें इसके मतलब मैं एक ही बात बोलूँगा, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर यही मामला चलते रहे जो कि आप देख रखे हैं, मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोज में समझा भी रखा हूँ, इस वीडियो में एक बात बताऊँगा, नोट कर लीजिएगा, बड़े पते की बात है। अच्छा, अगर तो यही मामला चलते रहे भाई 90, क्या मैं बोलता हूँ 100 पर जाएगा, 100 पर जाएगा, बहरहाल देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का रियाल का रेट है जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा वो शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले हम डॉलर के मतलब ही बात करेंगे, तो डॉलर रेट भाई वही कल वाला रेट यानी कि आज भी रहा, पिछले दो दिन में आपको पता है डॉलर 6 से 7 रुपये महंगा हुआ, लेकिन आज डॉलर महंगा नहीं हुआ, आज वही कल वाला रेट ही रहा। और अगर हम रियाल रेट की बात करें तो एक चीज़ मैं पाकिस्तान में वैसे बताई जा रही है जी कि पाकिस्तान में डॉलर का रेट और जो तेल के प्राइस हैं या पेट्रोल डीजल वगैरह के, इनका रेट सेम चलने वाला है। अभी इसमें कितनी सदाकत है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और दूसरी बात भाई एक ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मौजें हैं, मैं अगर सिंपल सीधी बात करूँ। अभी आप भाई बोलेंगे भाई कैसे मौजें, देखिए यार आप मुझे पता है, जैसा कि मैं भी पाकिस्तान सॉरी सऊदी अरब में होता हूँ, मेरी फैमिली पाकिस्तान में है तो मैं पैसे भेजता हूँ, तो पाकिस्तान में महंगाई का असर उस मेरी फैमिली के ऊपर भी होगा, ज़ाहरी सी बात है। लेकिन मेरी सैलरी उस हिसाब से सऊदी अरब में बढ़ रही है, कैसे? आपको पता है पाकिस्तान में अगर एक मज़दूर अभी 20,000-25,000 ले रहा तो उसको 20-25 मिल रहा है, ये पेट्रोल महंगा हो गया, चीज़ें महंगी होगी, उसको 20-25 मिलेगा। लेकिन सऊदी अरब में अगर कोई भाई बैठा हुआ है 2000 रियाल कमा रहा है मंथली एक महीने के, तो पहले उसका बन रहा, अगर हम 75-75 रुपए के हिसाब से भी रेट लगाएं ना, जो कि अभी 2-3 दिन पहले का रेट है, तो 1.5 लाख रुपए बन रहा था उसका एक महीने का, अभी 77 चलो लगा लें आप, या 70 भी रेट लगाएं तो अभी कितना बन रहा है, 1,55,000 जी। देखें सैलरी में इजाफा हो गया, ये मैं आपको 2-3 दिन का बता रहा हूँ मैं, अगर आज से 10-15 दिन पीछे चले जाएं तो फिर तो भाई 15-20 हज़ार रुपये का डिफरेंट हो चुका है, यानी कि उस हिसाब से परदेशियों की सैलरी खुद ब खुद बढ़ जाती है जिस हिसाब से पाकिस्तान में महंगाई होती है। हाँ, जो पाकिस्तान में भाई कमा कर गुजारा करते हैं वो वल्ला यकीन कीजिए, मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपके साथ जिक्र करता रहता हूँ, महंगाई की सूरत आपको दिखाता रहता हूँ और आपके आगे हाथ जोड़ता रहता हूँ, भाई खुदा का नाम है छुट्टी आ जाए, 6 माह गुजार लें, वापस चले जाइएगा, यहाँ के जो हालात मैं देखता हूँ। बहरहाल अगर किसी का भाई सरता है तो वो खरूज पर भी आ जाए तो सरता है उसका। अगर हम रियाल की तरफ आ जाते हैं, बात चलो किसी और तरफ ही चल पड़ी आज, अगर रियाल की भाई बात कर लें तो आपको एक्सचेंज रेट आज का मैं पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से बात करें तो 79.55 रुपये रेट हो चुका है। और आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बात एक बता चुका हूँ 90 के जो अराउंड में है। अगर बात करेंगे इंडियन रुपए की तो वो 22 एंड बांग्लादेशी टका 29 टके प्लस में है, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से आपको बता दूँ भाई मैं इनमें। मनीग्राम की अगर बात करें, आज का मनीग्राम का रेट 76.52 रुपये जी, और 10, 17 एंड 23 रियाल इनकी फीस होती है। अगर टैली मनी यानी कि ANB बैंक की हम बात करें तो भाई इनका आज का रेट 76.70 रुपये बोल रहे हैं आप, और इनकी भी 10, 17 और 23 रियाल फीस होती है। अगर वेस्टर्न यूनियन की तरफ जाते हैं आप तो भाई वेस्टर्न यूनियन का आज का 70.66 रुपये हाई रेट दे रहा है वेस्टर्न यूनियन, 70 रुपये प्लस में 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। अगर तहवील राजी बैंक की बात कर लें तो भाई इनका आज का रेट 76.65 रुपये हो चुका है 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। अगर आप STC पे से पैसे भेजना चाह रहे हैं तो इनका भाई आज का रेट STC पे का 77.27 रुपये 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर फौरी बैंक जजीरा की हम बात करें तो इनका आज का रेट 76.90 रुपये 70 के अराउंड में बोल रही है अभी, और 10, 17 एंड 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर आप इंजाज बैंक से भाई पैसे भेजना चाह रखे हैं तो इंजाज बैंक का आज का रेट 76.85 रुपये 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। एंड अगर क्विक पे की बात करें तो क्विक पे का आज का रेट भाई 76.89 रुपये और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस है। आने वाले मजीद यानी कि ओपन मार्केट के मतलब भी आपको बता दूं, पाकिस्तान में इस वक्त 80 रुपये प्लस में रियाल जा चुका है। अगर आने वाले वक्त के मतलब बात करें 5-7 दिन 10 दिन बाद की, तो रियाल में भाई मेरे हिसाब से 2 से 3 रुपये का मजीद इजाफा हो जाएगा।